नमस्कार आदरणीय। FCL अर्थात की फिनोटेक्स केमिकल आज 20% के सर्किट पर जाकर बंद हुआ। अब इस स्टॉक पर क्या व्यू होना चाहिए? हमने इस स्टॉक को दिसंबर माह में कवर किया था, जब 11 दिसंबर के आसपास इस स्टॉक पर हमने वीडियो किए थे। यहाँ पर आप देखिए 11 दिसंबर 15 दिसंबर के आसपास वीडियो किए थे, तब फिर स्टॉक जो है वो लगातार करेक्शन में जाने लगा। तब स्टॉक में क्यों करेक्शन आया था, अब इस स्टॉक के फंडामेंटल क्या कह रहे हैं, अब इस स्टॉक के जो परिणाम आए हैं क्वार्टरली वो क्या कह रहे हैं, आज की स्थिति में अगर स्टॉक पर कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखी जाए तो क्या हो सकती है, भविष्य के क्या टारगेट हो सकते हैं, इन तमाम विषयों पर जरा सारगर्भित ढंग से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। देखिए सबसे पहले तो बात कर लें, हम थोड़ा सा इसको पास्ट से जो है इसको ड्रैग करने की कोशिश करते हैं। तो मैं अपने ही वीडियो का सहारा लेता हूँ। 11 दिसंबर 15 दिसंबर पर हमने फिनोटेक्स को कवर किया था। तो हमने जब 11 दिसंबर 12 दिसंबर के आसपास यहां पर स्टॉक को कवर करने की कोशिश करी थी, ये यहां पर कुछ आपको स्टॉक दिख रहा होगा, यहां से स्टॉक जो है वो इसने करेक्शन दिखाया, ये करेक्शन को हम यहां के आसपास कुछ पकड़ लेते हैं, तो स्टॉक 24% के आसपास करेक्ट हुआ। फिर इस स्टॉक ने एक मूवमेंट दिखाया और इस स्टॉक ने एक पॉजिटिव मूवमेंट दिखाते हुए कुछ ऊपर की दिशा जाने की ओर प्रयास किया और इस स्टॉक अगले 20 दिन में 12-13% का रिटर्न देता हुआ नजर आया। फिर हम यहाँ पर अगर एक और जो बिंदु है उसको अगर हम प्लॉट करें और यहाँ से अगर हम देखें कि स्टॉक यहाँ से किस प्रकार का मूवमेंट दिखाता है अगले कुछ दिनों के लिए, तो इस स्टॉक ने फिर अगले 20 दिन के आसपास यहाँ पर 16-17% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न और दिया है। बिंदु सही ढंग से प्लॉट नहीं हुआ लेकिन 16-17% की जो स्थिति है वो आपको स्पष्ट तरह दिख रही होगी। उसके बाद फिर इस स्टॉक ने एक मूवमेंट दिखाया और इस स्टॉक का मूवमेंट आज की तिथि तक अगर हम कैलकुलेट करें तो 54 दिन, मतलब लगभग 2 माह के भीतर स्टॉक जो है वो 27-28% का पॉजिटिव मूवमेंट फिर नजर करता हुआ नजर आ रहा है। अब इन तीनों ही अगर हम परिदृश्य में देखें कि स्टॉक यहां पर पहले करेक्ट हुआ, फिर ऊपर गया, फिर करेक्ट हुआ और फिर यहां पर ऊपर जा रहा है, मतलब हर बार स्टॉक जो है वो नीचे आता है 15-20%, फिर 15-20% का ऊपर का मूवमेंट है, फिर 15-20% नीचे का मूवमेंट है, तो अब इस स्थिति से क्या स्टॉक आगे भी करेक्ट हो सकता है अथवा नहीं हो सकता है? सबसे पहले तो समझने का प्रयास करते हैं कि दिसंबर माह में जब ये एक करेक्शन इस स्टॉक ने दिखाया तो इसकी क्या वजह थी या स्टॉक यहां पर क्यों करेक्ट हुआ। तो उस करेक्शन को अगर समझना है तो सबसे पहले तो अगर हम फिनोलेक्स के उस समय के तात्कालिक अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट को देखें जो दिसंबर 2022 में इस कंपनी ने पोस्ट किए थे, तो नंबर आपको आकर्षक नजर आएंगे। दिसंबर 2022 के रिजल्ट की तुलना अगर हम दिसंबर 2021 से करें तो देखिए सेल्स यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, एक्सपेंसेस को साइड बाय कर देते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी दिसंबर 2021 में 25 करोड़ के आसपास थे जो बढ़कर 29 करोड़ के आसपास हो गए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के नंबर भी आपको 25 करोड़ से बढ़कर 29 करोड़ के आसपास नजर आ रहे हैं। टैक्स के फ्रंट पर अगर हम देखें, यहां पर टैक्सेशन के फ्रंट पर दिसंबर 2021 में 25% का टैक्स एप्लीकेबल हुआ था, दिसंबर 2022 में यहां पर 2% की सेविंग कंपनी ने कर ली, नेट प्रॉफिट भी कंपनी ने यहां पर अच्छे सृजित किए और अर्निंग पर शेयर भी यहां पर कंपनी के बढ़ते हुए नजर आए अगर हम सेम क्वार्टर की तुलना पिछले वित्तीय वर्ष के क्वार्टर से करते हैं दिसंबर तिमाही पर। लेकिन ये जो रिजल्ट है मार्केट स्ट्रीट्स के एस्टीमेट्स के हिसाब से उन्हें उतना आकर्षक नहीं लगा जितना आकर्षक होना चाहिए था। दूसरा एक बड़ा महत्वपूर्ण और बहुत लॉजिकल कारण है कि अगर आप FCL फिनोटेक्स केमिकल के अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको इसके ओनरशिप स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको यह देखना पड़ेगा कि यहां पर जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है वो स्वाभाविक के रूप से जो कंपनी के मैनेजमेंट के जो प्रतिनिधित्व करते हैं सुरेंद्र कुमार टिबरेवाला जी, इनके पास ही टॉप की एग्जीक्यूटिव भी हैं कंपनी में जो लगभग 55% की होल्डिंग रखते हैं नवंबर 2022 के डेटा के हिसाब से। एक अच्छा सीजेबल अमाउंट अगर कोई इन्वेस्टर यहां पर अपना रखता है अपनी ही कंपनी में तो यह समझा जाता है कि उसका विजन अपनी कंपनी में एक अच्छा चल रहा है। इसके अलावा अगर हम यहां पर कुछ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर उनकी होल्डिंग देखें तो वो भी कुछ यहां पर 5.3% के आसपास आती है, जो सेकेंड लार्जेस्ट नंबर हो जाता है जो कि ओन करता है निपोन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट नवंबर 2022 के डेटा, क्योंकि हम दिसंबर की अगर हम अभी बिकवाली दिसंबर में जो गिरावट आई उसकी वजहों को तलाश रहे। और उसके बाद फिर अच्छी पोजीशन जो है FII भी यहां पर होल्ड करते हैं। तो जब इस प्रकार से कभी कोई घटनाक्रम घटित होता है कि जब दो बड़े जो पोजीशन को रखने वाले अगर निवेशक किसी स्टॉक में बिकवाली करना चाहते हैं स्टॉक करेक्ट होता है। तो फिनोटेक्स केमिकल में यदि आप यहां पर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे दिसंबर 2022 के डेटा में भी अगर आप देखेंगे तो यहां पर प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा बढ़ाया था, जो कि हम देख रहे थे सुरेंद्र टिबरेवाला जी का जो होल्डिंग परसेंटेज देख रहे थे, लेकिन उसके साथ यहां पर FIIs ने अपनी होल्डिंग कम करी थी और DIIs ने भी अपनी होल्डिंग कम करी थी, जिसके कारण अच्छे रिजल्ट आने के बावजूद भी स्टॉक आपको दिसंबर
दिसंबर और जनवरी में गिरता हुआ फिर नजर आया। लेकिन कंपनी की अगर यहां पर मैनेजमेंट कमेंट्री की बात करें और कंपनी जिस प्रकार से अपनी न्यू प्रोडक्ट लाइन को डेवलप करने की दिशा में काम करती हुई यहां पर दिख रही थी, अगर हम उनकी बात कर लें यहां पर, तो थोड़ी सी चर्चा अगर हम उस पर कर लें तो कंपनी ने अपनी एक न्यू प्रोडक्ट लाइन जो है होम और हाइजीन सेगमेंट को लेकर जो है वो प्रारंभ करी थी। और यहां पर मैनेजमेंट खुद कह रहा था कि इसका जो इसके जो आपको अपेक्षित परिणाम है, इसके जो अपेक्षित रिजल्ट हैं वो Q4 के बाद आपको देखने को मिलेंगे। तो वित्तीय वर्ष 2022-23 है उसका Q4 समाप्त हो चुका है, हम वित्तीय वर्ष 2023-24 की Q1 में प्रवेश कर चुके हैं। तो अब इस न्यू प्रोडक्ट लाइन का भी जो फर्दर रेवेन्यू होने वाला है उसके रिजल्ट जो है इसकी सेल्स में आपको Q1 मतलब जो अब नेक्स्ट क्वार्टर के जो नतीजे आएंगे वहां पर देखने को मिलेगा। तो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन को लेकर मैनेजमेंट यहां पर पहले ही अपनी कॉमेंट्री में फरवरी में उद्धृत कर रहे थे कि वो एक न्यू प्रोडक्ट लाइन पर यहां पर जो वो काम कर रहे हैं। इसके साथ यहां पर अगर आप कंपनी की इस न्यू प्रोडक्ट लाइन का जो प्रतिसाद, न्यू प्रोडक्ट लाइन का जो एक्सेप्टेंस अगर आप ग्लोबली देखने जाएंगे तो कौन किस प्रकार के प्लेयर यहां पर आकर्षित हो रहे हैं, तो ग्लोबली जो FMCG के जो बड़े जो यहां पर कस्टमर है, कंज्यूमर है, वो यहां पर काफी अच्छा ऑर्डर जो है FCL को देते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। एज पर द मैनेजमेंट जो कॉमेंट्री है वो हमको देखने को मिल रहा है और उसके कारण ये ओवरऑल टर्नओवर में 40-50% का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं जो आगे भी स्वाभाविकता जो है वो बढ़ सकता है। इसके साथ साथ कंपनी की अगर यहां पर हम कैपेसिटी की बात करें तो उस कैपेसिटी में कंपनी फंजेबल जो कुछ प्रोडक्ट लाइन है जिसमें टेक्सटाइल, ऑयल और क्लीनिंग के जो प्रोडक्ट्स हैं, मशीनरी सेटअप है, उसकी दिशा में भी कंपनी जो है वो काम करती हुई दिख रही है। इस बात की अगर हमको पुष्टि करना है तो यहां पर हमको फिनोलेक्स के फिर एसेट क्वालिटी को अगर हम देखना चाहें तो उसको हमको यहां पर देखना पड़ेगा और वो एसेट क्वालिटी हमको यहां पर बैलेंस शीट में नजर आएगी, जहां पर अगर हम फिक्स एसेट की अगर हम बात करें तो मार्च 2022 में कंपनी के पास कुछ 84 करोड़ के आसपास के कंसोलिडेटेड बेसिस पर फिक्स एसेट नजर आ रहे हैं जो बढ़कर 99 करोड़ के आसपास हो रहे हैं। मतलब कंपनी यहां पर अपनी जो कैपेसिटी और यूटिलाइजेशन को लेकर जो न्यू प्रोडक्ट लाइन पर जो ध्यान दे रही है उससे इस बात की पुष्टि होती है कि यहां पर कंपनी वाकई में वास्तविकता में अपनी फिक्स एसेट को भी यहां पर उसी सापेक्षता में जो है वो बढ़ा रही है। चलिए यदि हम और फर्दर यहां पर हम कंपनी के अगर हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात कर लें तो एक बात आपको यहां पर बहुत अच्छे से दृष्टिगत होगी अगर आप बहुत अच्छे से कंपनी के क्वार्टरली परिणामों को गौर से यहां पर उसका अवलोकन, उसका अध्ययन करने जाएंगे तो कंपनी पिछले लगभग आपको 10 सालों से या 5 या 8 सालों से अगर टू बी प्रसाइज बात करें तो पिछले 8 सालों से कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, जिसे हम एबिटा मार्जिन भी कहते हैं, तो ये 16% से लेकर 24% तक कंपनी कंसिस्टेंस नियमितता के साथ इसको बनाए रखने में कामयाब रही है। यहां पर आप देखिए अगर हम क्वार्टरली परिणाम में देखेंगे 17, 14, 18, 23 एक एक्सेप्शनल केस हम जून 2020 जो कोविड के बाद का जो मंथ था प्रभावित करने वाला उसको साइड बाय कर दें तो यहां पर हर बार आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 16-24% के बीच में नजर आए हैं। और उसी प्रकार से अगर इसको अगर आप इस कंपनी के जो अगर आप एनुअल जो नतीजे होते हैं वहां पर भी देखेंगे तो 16% से लेके 24% के बीच में आपको ये एबिटा मार्जिन के नंबर जो है वो देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ कंपनी अपनी कैपेसिटी एक्सपांशन की दिशा में भी जा रही है। अगर आप पिछले 18-20 माह के भीतर का अगर आप टेन्योर पकड़कर चलें तो कंपनी ने यहां पर अपनी कैपेसिटी को 2.5 गुना के आसपास जो है वो एक्सपेंड कर लिया है और अभी भी कंपनी 25-30-35% का एक्सपांशन यहां से और प्लान कर रही है। साथ में इस प्रोडक्शन कैपेसिटी के साथ अगर यहां पर आप देखेंगे तो न्यू प्रोडक्शन कैपेसिटी में अपने कंपनी में कुछ 21,000 के आसपास का जो यूटिलाइजेशन 80-85% का जो प्लानिंग है वो भी कंपनी कर चुकी है। सो दैट की जो Q1 से जो अब इनके जो न्यू प्रोडक्ट लाइन और जो न्यू प्लान जो अब रोल आउट होंगे उसके अच्छे सेल्स रेवेन्यू के नंबर आपको यहां पर आपको जुड़ते हुए जो है वो देखने को मिलेंगे। तो इस दमदार फंडामेंटल के आधार पर जो क्रिसिल और जो दूसरी रेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने भी अपनी जो सर्टिफिकेशन और जो रिकॉग्नाइजेशन जैसे क्रिसिल की अगर रेटिंग की बात करें तो A1 से को मतलब इन्होंने इंप्रूव किया है जो पहले A2+ के आसपास की इनकी रेटिंग हुआ करती थी। तो इन दमदार फंडामेंटल के आधार पर दिसंबर माह में जो हमने यहां पर स्टॉक को रिव्यू करने का प्रयास किया था तो कंपनी काफी स्ट्रांग नजर आ रही थी, लेकिन जैसा हमने देखा कि उस समय FIs काफी बिकवाली कर रहे थे, मार्केट अनिश्चितताओं के भंवर में था और दिसंबर का स्वाभाविक माह जो रहता है क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर के आसपास का माह जहां पर विदेशी संस्थागत निवेशक काफी बिकवाली करते हैं, तो स्टॉक काफी करेक्ट हुआ।
लेकिन पिछले 6 या 7 माह में मैंने कभी भी एफसीएल पर दोबारा वीडियो कर यहां पर प्रॉफिट बुकिंग या एवरेजिंग करने की बात नहीं करी, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल पर मैं आज भी काफी जो आश्वस्त हूं, काफी यहां पर मुझे कॉन्फिडेंस जो इस कंपनी के फंडामेंटल पर नजर आता है। यदि कंपनी का अगर हम वैल्यूएशन प्रोस्पेक्टिव में अगर हम यहां पर बात करें तो कंपनी अभी भी काफी मुझे सस्ती नजर आती है। अभी हालांकि 20% का सर्किट यहां पर है, लेकिन यहां पर अगर आप इसके पीएस से तुलना करेंगे तो जहां पर नियोजन केमिकल 80 के पी पर ट्रेड कर रहा है, विधि स्पेशलिटी 41-42 के पीयर पर जो पी पर ट्रेड कर रही है, तो उसकी सापेक्षता में फिनोटेक्स केमिकल अभी भी प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पर मुझे काफी आकर्षक, काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन का स्टॉक जो लगता है। लेकिन यहां पर कुछ अगर हम कॉन्स की बात करें, कुछ नेगेटिव साइडलाइन की बात करें, तो एफसीएल जो एक हाई बीटा स्टॉक है, इसका बीटा 1 से ऊपर है, तो मार्केट में कभी भी अगर कोई फ्लक्चुएशन या बिकवाली आएगी तो उसका इंपैक्ट भी इस स्टॉक पर काफी अधिक होगा। अब थोड़ा अगर हम चार्ट पर इस स्टॉक को थोड़ा यहां पर हम डिस्कस करने की कोशिश कर लें और इन तमाम बिंदुओं को अगर हम समझते हुए कि स्टॉक आज जिस लेवल पर है और इसका जो सर्वकालिक उच्च स्तर का लेवल है वो इस लेवल के आसपास स्टॉक आपको दिखाई दे रहा है, तो अगर हम यहां पर एक लाइन ड्रॉ करें जो इसका सर्वकालिक उच्च स्तर है और इसके साथ स्टॉक का जो वर्तमान भाव है वो जो जहां से स्टॉक आपको अभी दिखाई दे रहा है, यहां से अगर स्टॉक फिर अपने ऑल टाइम हाई की पीक को पकड़ने की कोशिश करता है तो ये लगभग 39-40% की एक हेल्दी ग्रोथ जो है वो इस स्टॉक में आती हुई दिख सकती है अगर मोमेंटम बना रहता है। और जो स्टॉक एक दिन में 20% के सर्किट पर जाना जानता हो तो उसके लिए तो फिर ये 40% को अचीव करना हार्डली एक वीक का काम हो सकता है। लेकिन विषय यही है कि जो निवेशक है, जो बड़ा वॉल्यूम यहां पर आता है, उनका मानसिकता क्या है फंडामेंटल के आधार पर 40% क्या ये स्टॉक यहां से मुझे डबल होता हुआ भी अगले 1 से 1.5 साल के भीतर भीतर बहुत आसानी से दिखता है। लेकिन मोमेंटम को अगर हम पकड़ना चाहें, जो बड़े संस्थागत निवेशक हैं उनके मोमेंटम को पकड़ना चाहें कि वो इतनी आसानी से रिटेल का पैसा नहीं बनने देते बल्कि तो रिटेल के पैसे को लेने पर यहां पर आते हैं, तो ये 40% का जो मार्क है वो कंपनी अच्छे फंडामेंटल के आधार पर बहुत जल्दी निश्चित रूप से तय कर सकती है। लेकिन यहां पर अगर बिकवाली भी आती है, क्योंकि अगर बड़ा संस्थागत निवेशक यहां पर फिर से अपने माल को खरीद कर जब यहां पर बिकवाली करेगा, अपनी प्रॉफिट बुकिंग को बांधना चाहेगा, तो अगर हम सपोर्ट लेवल की बात करें तो कंपनी ने जिस लेवल से चलना प्रारंभ किया था अगर उसको ही हम यहां पर उसका कंपनी का सपोर्ट लेवल पकड़कर चलें, जिससे हमको एक सेफ साइड, एक अनुमान मिल जाए कि यहां से अगर कुछ गिरावट होती है तो कंपनी कितनी गिरावट यहां पर हो सकती है, तो 17% की गिरावट यहां पर और हो सकती है। तो 17% के नीचे का स्टॉप लॉस एक अच्छा ट्रिगर पॉइंट हो सकता है अगर आप एक बहुत रिस्की शॉर्ट टर्म में कुछ प्ले करना चाहते हैं। लेकिन अगर हम फर्दर यहां पर देखें कि अगर इस नेक लाइन को भी स्टॉक तोड़ देता है और अगर हम इस लेवल को एक अनुमानित फर्दर जो सपोर्ट लेवल है वो मानकर चलें, तो इस स्टॉक को अगर हम यहां से ट्रैक डाउन करने की कोशिश करें तो फर्दर फिर 17% के बाद 12-13% मतलब मोटा माटी 30-40% के आसपास की एक हाइपोथेटिकल गिरावट की भी एक संभावना इस स्टॉक में बन सकती है। यद्यपि मोमेंटम और जिस प्रकार के भी फंडामेंटल्स कंपनी के दिख रहे हैं उसके आधार पर यह गिरावट बहुत दूर की कौड़ी नजर आती है, लेकिन हर संभावना पर एक चर्चा कर लेना मुझे लगता है कि वो अध्ययन का एक बहुत अच्छा बिंदु होता है। तो ये कंपनी का के फंडामेंटल के आधार पर अभी जो प्रोस्पेक्टिव से एक व्यू बनता है वो बनता है। अब कंपनी ने जो मौजूदा यहां पर परिणाम दिखाए हैं, अपने Q4 के परिणाम दिखाए हैं, तो यहां पर अगर हम उसको देखें जो इन्होंने कुछ अपने मीडिया हाउस वगैरह पब्लिकेशन में प्रकाशित भी किए हैं, तो इसको अगर हम यहां पर देखें, ये कोई न्यूज़पेपर है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस में कंपनी ने अपने परिणामों को यहां पर घोषित किया। थोड़ा सा हम इसको यहां पर जूम आउट करके देखने की कोशिश कर ले, तो केवल अगर हम हाईलाइटेड पॉइंट की ओर ही अगर हम कंपनी के परिणामों को देखने जाएं तो स्टैंड अलोन पर कंपनी का ऑपरेशनल जो Q4 है वो 30% से ग्रो किया है। स्टैंड अलोन बेसिस पर कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का नंबर 39% से ग्रो किया है। कंपनी का अगर स्टैंड अलोन बेसिस पर एबिटा देखेंगे वो तो 56% बहुत हेल्दी नंबर होता है जहां से कंपनी का ये एबिटा जो है वो ग्रो किया है। इसके अलावा कुछ कंसोलिडेट धंधों की अगर हम बात कर लें, समग्रता में टोटलिटी में बात करें, तो कंसोलिडेट पैट Q4 का नंबर 52-53% से ग्रो किया है। कंसोलिडेट जो अर्निंग पर शेयर है वो 56% से ग्रो किया है। कंसोलिडेटेड जो रेवेन्यू है कंपनी का ऑपरेशन से वो 13% के आसपास से ग्रो किया है और कंपनी का जो कंसोलिडेट ऑपरेशनल एबिटा है वो भी 52% से यहां पर ग्रो किया है। तो ये जो Q4 के परिणाम आए ये काफी हेल्दी परिणाम है और कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग है ही, अपने नए प्रोडक्ट लाइन पर काम कर रही है, वो सेल्स वो रेवेन्यू भी अगले क्वार्टर में जुड़ेगा तो कंपनी यहां पर और प्रॉफिट दर्ज करती हुई आएगी। साथ में कंपनी जैसा हमने देखा कि पिछले 8 सालों से, एक साल में अगर 4 क्वार्टर होते हैं तो
8 चौके 8 दूनी 16 3 24 चौके 32 लगभग अपने 30-32 क्वार्टर से जो है 16% से लेकर 24% तक का ओपीएम जो है वो बहुत हेल्दी तरीके से जो है वो मेंटेन कर रही है। तो काफी दमदार फंडामेंटल स्ट्रांग के साथ स्ट्रांग Q4 के परिणाम के आने के बाद अगला जो ये Q1 आने वाला है इस वित्तीय वर्ष का, वहां पर और दमदार नतीजों की हम अपेक्षा कर सकते हैं और उसके आधार पर मुझे स्टॉक भविष्य का एक दमदार स्टॉक लगता है। लेकिन ये तमाम अध्ययन मेरा व्यक्तिगत है, इसलिए इस अध्ययन के आधार पर आप निवेश संबंधी निर्णय नहीं लीजिए। बस इन अध्ययन के बिंदुओं का उपयोग यदि आप अपने अध्ययन में करेंगे तो शायद कुछ नया सीख सकेंगे और खुद फिर स्वयं के प्रयासों से भी बहुत कुछ नया एक्सप्लोर कर सकेंगे। इस प्रकार के लॉजिकल और सारगर्भित वीडियो यदि आपको पसंद आते हैं कृपया वीडियो लाइक करें। आपके मन मस्तिष्क में मुझे देने के लिए कोई सलाह है, सुझाव है, आपका कोई स्टॉक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं अपना व्यक्तिगत अध्ययन आपके साथ साझा करूं, उसका नाम आप कॉमेंट में जरूर लिख डालिए। फिलहाल फिनोटेक्स केमिकल पर यह संक्षिप्त सा जो अध्ययन था वो मैंने केवल आपके अध्ययन हेतु ही प्रस्तुत किया है। तो इस बात को ध्यान में रखकर निवेश संबंधी कोई निर्णय लेना हो तो स्वविवेक से अध्ययन करते हुए किसी से भी अधिकृत जो रिसर्च एनालिस्ट या स्टॉक एडवाइजर होते हैं उनसे सलाह मशवरा अवश्य कर लीजिएगा। फिलहाल तो रखिए अपना और अपने पोर्टफोलियो का ख्याल। मुलाकात कर रहे हैं आपसे अगले वीडियो में बहुत जल्द। बहुत बहुत धन्यवाद।